आप सभी का स्वागत है रेड एरीज गेमिंग के चैनल वर्ल्ड ऑफ टैंक्स में। आज हम देखने जा रहे हैं फेरिस को। इससे पहले गेम स्टार्ट हो सब्सक्राइब कर लो, घंटी बजा लो और चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो हमारा ये प्लेयर आज हम देखने जा रहे हैं माउस लेकविल मैप पे, और हमारे प्लेयर ने डिसाइड किया है कि ये वहाँ पर सिटी की तरफ जाएगा, वैली की तरफ ना जाके वहाँ पर लड़ेगा बड़े आराम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अरे घर बीच में किसने रख दिया अटक गया था वहाँ पर, लेकिन अब सब ठीक है, चलते हैं फिर धीरे धीरे। अब हम देख रहे हैं कि T-30 और AMX-90 वहाँ पर पीछे वैली में लड़ रहे हैं स्कोडा के साथ। ये पेंटेरा बीच में कहाँ से आ गया? पेंटेरा भाई साहब थोड़ा साइड देखो। अब यहाँ पर साइड में जो लेक के पास जो गली है, रोड है पतली सी, वहाँ पर भी हमारे तीन टैंक जा रहे हैं। लॉवी पीछे खड़ा हुआ है, हैवी टैंक पीछे क्या कर रहा है पता नहीं, शायद डर गया है ओके T-30 और AMX लड़ रहे हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं है और इस तरफ कोई भी एनिमी दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। दुश्मन क्या हो रहा है, सारे लोग गए कहाँ, भाग गए क्या? और T-30 को मार भी दिया, ये ब्लाइंड शॉट एक झाड़ी की तरफ जो जहाँ पर भी मोस्टली लाइट टैंक या फिर टैंक डिस्ट्रॉयर बैठते हैं, ये यहाँ पर सीधा यहाँ पर, यस एग्जैक्टली यहाँ पर ओके वो रहा। और देखने में लग रहा है वन लाइन पे हमारी टीम फेल हो चुकी है और दुश्मन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओ माय गॉड क्या होने वाला है। ओके माउस ने ये देख लिया है, भाप लिया है, और इसको बोलते हैं मैप का ज्ञान रखना, ध्यान रखना मैप का, मैप पे ध्यान नज़र रखना अपनी ताकि क्या हो रहा है वो पता चले। आप देखो माउस स्लो टैंक है, लेकिन ये पीछे जा रहा है, वहाँ पर वो काउंटर करेगा उनको क्योंकि वहाँ पर बेस की तरफ वो बढ़ रहे हैं और यहाँ पर इनकी टीम आगे नहीं जा पा रही है। सारे के सारे पीछे जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट 430U ने मारा है हमारे प्लेयर को। क्यों मारा है मतलब क्या है? ऐसे प्लेयर्स पे ना सच में बड़ा दुख होता है यार, ऐसे प्लेयर्स के साथ, बेवकूफ़ प्लेयर्स के साथ, अनोइंग प्लेयर मैंने बिना बात में। तुम्हें खेलना अपना स्टाइल से खेलो, हमें खेलना अपने स्टाइल से खेलो। तो ये रहा एनिमी T-30, लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं लग रहा। हमारा माउस स्पॉट होता हो चुका है, ये इसने एंगल कर दिया अपने टैंक को क्योंकि अगर कहीं से भी शॉट आए तो उसको बाउंस कर सके। ये T-30 ने मारा और ये फायर हुई गन बट कहीं पर चली गई, हमारा शेल कहीं उड़ता हुआ गायब हो गया, पता नहीं चला कहाँ गया, वो सामने कहीं पहाड़ी पे चला गया होगा घूमने के लिए कोई बात नहीं ओके हम यहाँ पर डिफेंड करने के लिए पहुँच चुके हैं। ये यस 60 टीपी की लोअर प्लेट में दिया है, जबरदस्त महसूस हो रहा होगा इसको ख़त्म करते हैं। और ये सामने ISU-152 जिसका शॉट बाउंस हो गया। भैया ये माउस है, ध्यान से फिर दोबारा आ गए पीछे, हर जगह से बाउंस हो रहा है, बाउंसिंग शॉट्स मिल रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, ये IS-2 ने बहुत ही गलत प्ले किया। और इसकी गन कहाँ पर है, कहाँ देख रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे दुश्मन सामने है भैया, सामने देखो, कहाँ राइट में देख रहा है, अपने लेफ्ट में देख रहा है।
और एक गार्ड को मार दिया है, गार्ड को दे दिया है। ये प्रोजेक्टो उस तरफ एसटीआरवी के पीछे लगा हुआ है, और यहाँ से एक और पड़ा। ओह माय गॉड, पूरी की पूरी टीम गायब होती जा रही है, भाप बन के उड़ती जा रही है। और T-30 भाई साहब, या ये माउस है भाई, माउस है ये, जर्मन T-10 टैंक, बच्चों का खेल नहीं है। और वहां पर ऑब्जेक्ट 430U पे बाउंस हो गया शॉट। आज रशिया है भाई, रशिया रूसी सैनिक है भाई, उसको सख्त असर नहीं होता। और ये रुक गया है। ओ ये, यस 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 यस, बड़ा मजेदार होने वाला है गेम। ये माउस किसी को नहीं देखता है, किसी को नहीं छोड़ता है, ये सीधा लोअर प्लेट पे एसटीआरवी के। बेचारा एसटीआरवी सोच रहा होगा क्या करूं, लेकिन एसटीआरवी ने एक बार दे दिया है, शायद लोअर प्लेट में दिया है, एक शॉट दे दिया है, इसका खेल खत्म एसटीआरवी का। भाई धमाके ही धमाके हो रहे हैं, मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ये। गार्ड भाई साहब आगे आ गए हैं, क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं, क्या जरूरत थी इसको आने की। माउस ने उसको छोड़ दिया है कि उसको सीधा दूसरे टैंक से डील करने देगा, उसके पीछे जो बार बार रीसेट करते हुए माउस, खतरनाक सोल्जर जैसा, स्टॉर्म ट्रूपर की तरह। लेट्स गो, ये T-30 का काम सवाम। ऑब्जेक्ट 430 क्या करेगा, क्या करेगा ऑब्जेक्ट 430। T-30 को उसने उड़ा दिया है, आर्टिलरी आर्टिलरी फायर करते हुए। ये लोअर प्लेट में है, छोटा टैंक कहाँ पर भाग रहा है, कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा, नहीं भाग सकता तू। जर्मन रशियन हुआ तो क्या हुआ, ये जर्मन हैवीली आर्मर्ड टैंक है, माउस है ये, माउस सिर्फ नाम ही माउस है, लेकिन है ये हाथी। ओके, तो एक आर्टिलरी हमारी उस कॉर्नर पर है। यस, एक ब्लाइंड शॉट लेगा ये, ब्लाइंड शॉट लेके देखते हैं। नब शायद वो पत्थर के पीछे छुप गया है, वो चट्टान के पीछे छुपा हुआ है वो। एक और ब्लाइंड शॉट, ब्लाइंड शॉट के नॉर्मल आर शेल्स यूज हो रहे हैं। नोप, नहीं है वहां पर भी, कहीं छुपा हुआ है ये, लगता है पीछे जाना पड़ेगा। 1 vs 5 हो चुका था ये, अब 1 vs 4 रह गया है। और ये T-64E1 कहाँ है, ये अमेरिकन टैंक, ये अमेरिकी टैंक कहाँ गया। और गलवान वैली का तुम लोगों ने सुनी सुनी लिया होगा, हमारे टैंक पहुंच गए हैं वहाँ पर, तो चीनियों की हालत ख़राब करने वाले हैं वहाँ पर। T-90 है, T-72 है, फिर हमारा अर्जुन टैंक, घर की खेती, घर की दाल, घर की मुर्गी, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया टैंक रखे हुए हैं वहाँ पर उनको भिड़ने के लिए। आप यहाँ पर ओ सामने आ गया है, क्या बात है। इसलिए हमारे माउस ने सामने के अपना आर्मर सामने की तरफ रखा था, सीधा एक शॉट सामने की तरफ। पीछे आर्टिलरी भी आ रही है, ऑटो लॉक एंड फायर। यस, माउस का जो सामने का हिस्सा है वो ही कमज़ोर है जब वो अपने टारगेट की तरफ देखता है, अदरवाइज इसको पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल है, एंगल होने से बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं हमारी गन रीलोड हो पाएगी कि नहीं, अगर ये कवर में ना चला जाए कहीं। कम ऑन कम ऑन, और ये खत्म। यस,
ऐसे खेला जाता है। और आर्टिलरी वहां पर बैठी हुई है मिस कर दिया उसने सामने डेड टैंक्स को, और माउस ने उसे पनिश करते हुए, यही था ना जो वहां पर छुपके मर रहा था वहां से, एक आर्टिलरी पीछे है उसको भी डील करना पड़ेगा। देखते कहाँ रह गया वो, ये यहां पर है सामने। कोई मौका नहीं, कोई बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दिया। अब ये आखिरी आर्टिलरी रह गया FV-207। अब ये कहाँ होगा, हो सकता है ये अपने बेस में बैठा हुआ हो। SPG है, पी मतलब प्रोपेल्ड होता है, कहीं जा सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं पता होगा उसे तो शायद वहीं बैठा होगा। हमारा माउस उस तरफ जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये माउस वहाँ पहुँचे और वहाँ से वो पीछे घूमते वो FV हमारे बेस पे आ जाए तब ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि माउस बहुत स्लो टैंक है। स्पीड 16-17 बहुत ही कम हो गई है। देखते हैं एक बार, झाँक के देखते हैं सामने से, नहीं है यहाँ पर, हो सकता है कहीं पीछे छुप के बैठा हो एम्बुश करने के लिए, शॉटगन करने के लिए, शॉटगन लेके। दिख ही नहीं रहा है कहाँ गया, लगता आगे जाना ही पड़ेगा। ओ तेरी, वो बेस पर आया, ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो गई। कमान माउस, जल्दी जल्दी क्या, ये जल्दी हो ही नहीं सकता। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए चढ़ाई पर, 6 किलोमीटर, 7, और इसने ऑटो फॉरवर्ड कर दिया है आर की दबा के, ई या फिर आर की से होता है शायद हमारे इसमें ऑटो फॉरवर्ड के लिए। एक शॉट ही चाहिए आर्टिलरी को खत्म करने के लिए, बट क्या हमारा प्लेयर फॉरेस्ट कहाँ वहां पर पहुंच पाएगा, क्वेश्चन तो ये है। माय गॉड, ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। हेविली आर्मर टैंक, स्लो माउस, कैप की तरफ बढ़ते हुए। ओह, ये भाई साहब रशिया के हैं, रशियन लैंग्वेज में कमेंट्स हैं, मुझे नहीं पढ़नी आती रशियन। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जल्दी जल्दी, ये बिल्कुल बोलते नहीं कांटे की टक्कर वाला होगा, ये जीत और हार कार का फैसला होने वाला है यहाँ पर। कहाँ पर गया ये किनारे में छुपा हुआ बैठा है। हम पहुंच ही गए हैं, 10 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, और ये खत्म। हाँ, हम लोगों ने ये मैच जीत लिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से जीत लिया है हम लोगों ने, बड़े प्यार से। और गेम कैसा लगा ये बताना, कमेंट में लिखना मत भूलना, सब्सक्राइब मत भूलना, करना मत भूलना, और बेल आइकन को दबाई लेना ताकि नोटिफिकेशन मिले कि ये नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, और फर्स्ट टाइम फर्स्ट में लिख आके पहले कमेंट करने का मौका मिल जाए इस गेम में, ठीक है ना। तो फिर अब हम इसकी एंड प्लेट्स भी देख लेते हैं। पहले तो देखो क्या बेहतरीन बेहतरीन टैंक है ये, Tier 10 राइफल्ड बैरल है इसकी, देख ही सकते हो। और एंड प्लेट्स देख लेते हैं यहाँ पर, एस टैंकर, पहले तो कितने सारे मेडल्स मिले हैं, फायर परफेक्ट, हैंड ऑफ गॉड, बूजर, ड्यूलिस्ट, शेल प्रूफ, और यहाँ पर एपिक मेडल्स जो है हमारे, हीरोज मेडल, डिमिट्रोज मेडल, 3 SPGs को मारने के लिए, कॉल ऑफ बैन ऑफ मेडल्स 1 vs 5 के लिए, और दी लैंग्लेज मेडल अवार्डेड टू प्लेयर कोर्स बेटर डिस्ट्रॉयज 4 एनिमी व्हीकल विद इन अ बेस सर्कल। अच्छा, ये मेडल मैंने आज तक नहीं देखा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैंने इस मेडल को देखा है कि अच्छा तुम्हारे यानी तुम्हारे बेस में कोई कैप कर रहा है, तुमने 4 टैंक्स को उड़ा दिया है, तो उसके लिए ये मेडल मिलता है। बहुत ही रेयर मेडल है ये भी, कितने ही टैंक जाते होंगे तुम्हारा कैप करने के लिए। रेडली वॉल्टर्स मेडल फॉर किलिंग 8 और 9 एनिमी व्हीकल्स इन ए बैटल। डिफेंडर है, डिफेंड तो किया ही अच्छी तरीके से, इतने सारे टैंक्स को मारा उसने। फिर हाई कैलिबर है, शेल स्टील वॉल है,
और टॉप गन है। आप टीम स्कोर देखते हैं कितना है स्कोर, 9920, 9 टैंक्स को मारा और 1500 एक्सपी, और साथ ही ये देखो कितना बाउंस किया इसने, 5340 शेल्स हिट पॉइंट्स को बाउंस किया है। अब ये देखो 25 शॉट फायर डायरेक्ट हिट्स और 24 पेनिट्रेशन 32 में से, बहुत ही बढ़िया। लेकिन पैसे तो उड़ाए हैं तो वो तो नुकसान तो होना ही है, अब टीयर टैंक है तो उसमें होता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर हमेशा की तरह, कम से कम 10 लाइक तो दे ही दो। ओके बाय, हैव अ नाइस डे गाइस, एंजॉय।